का चुनाव है, पोलिंग होगी आज दूसरे फेज में, क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोलिंग बूथ में लंबी लंबी लाइन लगी है और अभी तक के 30-35% तक की पोलिंग नांद गांव में हुआ है, बचे मोहला मानपुर वगैरह तो उससे भी अधिक हो गया है। तो जबरदस्त उत्साह है लोगों में, आज शादी ब्याह भी है और गर्मी भी है, इस कारण से सुबह से ही लोग जल्दी निकल गए, लंबी लंबी लाइन सभी पोलिंग बूथों में है। क्या कहेंगे लोगों को आज के वोटिंग का दिन है, आह्वान देंगे सबको कि भारी सब लोग, हाँ सब लोग घरों से निकले और मतदान केंद्र में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, संविधान को बचाने के लिए प्रयोग करें और लोकतंत्र बचाने के लिए प्रयोग करें अपने मतदान। सर, वही प्रधानमंत्री जी का हाल ही में एक बयान आया है इनहेरिटेंस लॉ को लेकर के, जिसपे उन्होंने राजीव गांधी जी पे टिप्पणी की है कि इनहेरिटेंस लॉ इन्होंने इसलिए बचाया था ताकि वो अपने घर का पैसा अपने पास रखे और सरकार को ना दे पाए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं, इतिहास का भी ज्ञान नहीं है और नियम का भी। वो कभी तक्षशिला को पटना का हिस्सा बता देते हैं, कभी गुरु गोरखनाथ कबीर जी को एक साथ बिठा देते हैं, है ना, और गुरु नानक देव के एक साथ मीटिंग कराते हैं और अभी फिर से झूठ बोल रहे हैं। इंदिरा जी 70 में पूरे संपत्ति को सरकार को दान कर दिया था, आनंद भवन को भी दान कर दिया था और उसके बाद झूठ बोल रहे हैं। और इसके बाद आपके राजीव जी के बाद अटल जी की सरकार बनी, 10 साल इनको हो गया और आज जब चुनाव हुआ तब उसको याद आ रहा है। तो आपके पास कहने कुछ नहीं, जनता को कुछ बोलने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। आपने 10 साल कुछ किया नहीं है, केवल जुमला आपने फेंका है और उसके आधार पे वोट तो मांग नहीं सकते, तो केवल कांग्रेस को गाली देने के अलावा आपके पास है क्या? जी, आखिरी सवाल सर, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है जितनी भी पिटीशंस थी, 100% वेरिफिकेशन जो ईवीएम मशीन की वीवीपैट के थ्रू थी उसको रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए।